हाय दियर, अभी मैं ऊटी में कैंडल क्रॉस चर्च आया हुआ हूँ। ये फॉरेस्ट के बीचों बीच है, दूर से काफ़ी सुंदर दिखता है और अंदर में तो और काफ़ी खतरनाक ही होगा क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये है कैसा ये चर्च। और अंदर जाने में वाकई डर लग रहा है, हालांकि 12 बजे पर इतना अंधेरा है और पूरा फॉरेस्ट है, तो चलो देखते हैं। सो ये है कैंडल क्रॉस चर्च ऊटी में। ऊटी बस स्टैंड से आपको करीबन ये 4 किलोमीटर रास्ता पड़ेगा। पास में लेक भी है और इस साइड में आप एक फॉरेस्ट देख रहे होगे। वो जो फॉरेस्ट दिख रही है दूर पे, और वहाँ पे टाइगर अगर आते हैं बोलते हैं, तो वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर है अराउंड। तो चलो चर्च देखते हैं यहाँ का कैसा है। मौसम देख रहे हो, हर तरफ धुंध छाया हुआ है, जबकि अभी 12 भी नहीं बजे होंगे आई थिंक। सो यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चर्च पूरे फॉरेस्ट के बीचों बीच है। ये एक चीज़ अच्छा है, ये जो रोड बनी है ना, क्रिश्चियन जो है वो जानते होंगे, ये क्रूस रास्ता बोलते हैं हमारे उधर। क्रूस रास्ते के मतलब जो होते हैं ना पड़ाव, वो सारे यहाँ पे बने हुए। तो ये जब पास्का का त्यौहार आता है ना, तो यहीं से होके जाते होंगे। और हर स्टेप में, जैसे यहाँ पे देखो मार्किंग भी की हुई है, पता नहीं किस चीज़ की मार्किंग है, बट हाँ हर स्टेप में आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं, मुझे वो ही लग रहा है। ओके, सो आप में से जो भी क्रिश्चियन हो वो देख रहे हो, तो प्लीज़ बताना ये क्या चीज़ के लिए बना हुआ है और ये क्या चीज़ है, आई मीन किस काम के लिए ये यूज़ होता है। अगर बता पाओगे या खुद के भी अगर दिमाग लगा के बता पाओगे तो मान जाऊँगा। सो हम चर्च में एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे केव भी बना हुआ है जो अपने भाई भी लग रहा है, देखोगे पता नहीं आ जाना एंट्री है कि नहीं। फिर इसमें लास्ट में जाएंगे अगर एंट्री मिलेगा तो, बट यहाँ पहले चर्च देख लेते हैं। मैंने नीचे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं आपको लेके जाता हूँ। या माता मरियम ब्लैंकनी और जो भी हमारे मतलब क्लेजन में रिलेटेड जितने संत थे और जो भी है ना, उनकी सारी यहाँ पे अलग से ना बनाया हुआ है, जो मुझे काफ़ी ना इंटरेस्टिंग लगा। ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, काफ़ी जगह बनाते होंगे बट मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एक साथ इतने सारे। और लेडी ऑफ फातिमा, ब्लैंकनी सारी एक जगह में है और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने वो मतलब रखा हुआ है। मैं सारे दिखाता हूँ आपको एक एक करके। अंदर चलते हैं।
अच्छा, ये यहाँ पे हमारी रोजरी अगर मिलते, स्टॉल है यहाँ पे, रोजरी हो गई जिससे हम प्रेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें रखे हुए, और यहाँ पे बाइबल अगर भी मिल जाता है, मैं बाइबल भी होगा ना यहाँ पे, हाँ बाइबल, हाँ, तो सारी प्रेयर के स्टॉल अलग से कहीं नहीं लगती, हमारे चर्च के पास या चर्च वाले ही लगाते हैं, अलग से तो सेल नहीं होती है सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलो जूता वूता पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट प्लेस देखते हैं कौन सा है। पहला प्लेस है मेरा ऊटी में, वो भी चर्च था स्टार्टिंग में जिसको मैंने अभी विजिट किया, और देखते हैं और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।